ओके इसके पहले 4 अटेम्प्ट किए, 4 अटेम्प्ट में भी फेल हुआ, फिर 5वें अटेम्प्ट में मैं ये क्वालिफाई कर पाया। ऐसा तो है नहीं भैया, घर पे रखा हुआ है कोई चीज उठा के बस मिल जाएगी तुरंत, प्लेसमेंट लग जाएगा। रीलेवल हमसे कुछ पैसे वैसे लेती है क्या? कोई पैसे वैसे लिया गया तुमको पूरे प्रोसेस में? अगर तुम पूरा अपना नहीं नहीं प्रोसेस नहीं बताओ, ये बहुत लोग अभी इंतजार भी कर रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए कि भैया ये बताओ कि आपकी जो पैकेज लगा वो सारा एक्सपीरियंस 5 बार के टेस्ट का है तो जो आपको मिला है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई मैं डेटा एनालिटिक्स के लिए एक बंदा जरूर ढूंढ के लाऊंगा, एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगी डेफिनेटली, बिकॉज लोगों को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डेफिनेटली थैंक्स टू निखिल ही, मतलब वो तुरंत मान गए वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आगे हम लोग देखने वाले सारा डिटेल, एंड ही इज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, डेटा एनालिटिक्स में प्लेस हुआ है। ही विल बी शेयरिंग हिज होल एक्सपीरियंस एंड कैसे प्रिपेयर किया, क्या टिप्स है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की हैं, एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी एक्सेल वेक्सेल कोर्सेज मैंने बताए हैं आगे वीडियो में वो आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जाओ लाइक करो वीडियो को, रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मैंने दे दिया है कि हाँ भाई आपको कॉन्फिडेंस हो, बिल्डअप हो जाए कि हाँ वीडियो देख कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और आप एग्जाम दो और आपका भी पैकेज लगे अच्छा और हम लोग वीडियो बनाए जाए। ठीक है, तो चलो देखो वीडियो, नीचे जाके कमेंट जरूर करना, व्हाट एवर यू वांट, लाइक जरूर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बटन दबाना है लाइक कर देना, और नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, अच्छा लगेगा। चलो देखो सारा कुछ सब कुछ। सो हाई, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद निकल एंड ही हैज क्रैक्ड री लेवल डेटा एनालिटिक्स टेस्ट, एंड इट इज अ वेरी डिमांडेड वीडियो ऑन आर चैनल। सो आज पर्टिकुलर वीडियो में सारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा रोड मैप काइंड ऑफ हम लोग बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। तो ओवर टू यू निकल, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्टली। अनुराग, हेलो, आई एम निखिल, आई एम फ्रॉम जलगांव, महाराष्ट्र, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड यस, आई एम 2021 पास आउट। ओके, सो बेसिकली जैसे यू सेड यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो ये इंटरेस्ट कैसे जगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, हाउ यू गॉट दिस इंटरेस्ट गेटिंग इनटू दिस फील्ड दैट इज डेटा एनालिटिक्स। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, यस, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम डिफरेंट प्रोग्रामिंग, एंड यस, आई एम ट्राइंग टू लर्न सम पाइथन स्क्रिप्ट्स एज वेल। सो व्हाइल लर्निंग पाइथन, मुझे रियलाइज हुआ कि डेटा एनालिटिक्स एक अच्छी ब्रांच हो सकती है हमारे लिए, उसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उसमें आगे थोड़ा बहुत प्रिपेरेशन करके उसमें ही करियर बनाए। बढ़िया है, वैसे डेटा एनालिटिक्स लिटरली बहुत अच्छी फील्ड है। एंड बेसिकली जब तुमने टेस्ट दिया, पहले स्कोर का एक ओवरव्यू दे सकते हो अगर, तो स्कोर कितने आए, क्या मतलब कैसे क्या हुआ वो सारी चीजें, जब टेस्ट दिया तुमने तो स्कोर वगैरह क्या आया एक्चुअली एरिया लेवल में? माय स्कोर वाज 750 आउट ऑफ 1000। देयर आर वेरियस राउंड्स फॉर परफॉर्मिंग दिस री लेवल ऑपरेशंस, परफॉर्मिंग दिस री लेवल टेस्ट। 750 में से हमारे पास 5 राउंड होते हैं टोटल, मतलब 1000 मार्क्स का टेस्ट होता है और उसमें 5 राउंड्स होते हैं टोटल। उसमें फर्स्ट 2 राउंड्स 300 मार्क्स के लिए होता है, और 300 मार्क्स में से हमको क्वालिफाई करने के लिए 150 मार्क्स से अबव लाने पड़ते हैं। अगर आप अच्छा, 150 से अबव लेके आते हो मार्क्स, तो आप थर्ड और फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल होते हो उसमें। ओके, और थर्ड फोर्थ राउंड में मोस्टली तो पाइथन एंड एसक्यूएल के रिलेटेड ही पूछा जाता है, अच्छा, एंड फॉर डेटा एनालिटिक्स पोजीशन स्पेशली पाइथन एंड एसक्यूएल के लिए हमको डेटा सेट दिया जाता है, और वो डेटा सेट पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, और फिफ्थ राउंड जो होता है वो इंटरव्यू होता है। ओके। सो जैसे तुमने बताया कि पहला राउंड जो होता है, पहला दूसरा राउंड वो नॉकआउट काउंटर काइंड ऑफ होता है, उसमें बेसिकली हमारे एक क्या नाम है 150 मार्क्स लाने रहते हैं 300 मार्क्स में से। तो लेवल क्या होता है इस पर्टिकुलर टेस्ट का, लेवल क्या होता है पहले दूसरे राउंड का, और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं इसमें? अच्छा, इसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड जो है उसमें मोस्टली एप्टीट्यूड पे फोकस होता है, ओके, और एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा हाई होता है। वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है एप्टीट्यूड में, और वहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो फेस करते हैं हम वो टाइम का होता है, मतलब कभी कभी टाइम खत्म हो जाता है और हम हमारे जैसा टारगेट वैसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो मेन फोकस करना चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस फर्स्ट राउंड के लिए। और ठीक है, सेकंड राउंड में एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए,
ओके और एक्सेल में एक्सेल के रिलेटेड क्वेश्चंस और पाइथन के रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं उसमें, ठीक और है वो एक्सेल के रिलेटेड बेसिक ही होते हैं, और पाइथन के समवॉट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें से हमको एक आउटपुट का प्रोग्राम निकालना होता है। ओके ओके अच्छा ये हो मतलब गया फर्स्ट लेवल, और सेकंड हाँ राउंड। हाँ फर्स्ट और सेकंड राउंड, उसके बाद फिर आगे। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट और सेकंड राउंड में 150 के अबव स्कोर करते हो तो आपको थर्ड और फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल किया जाता है। थर्ड राउंड में एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, एंड हमको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है और उसमें ठीक है हमको क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और 5 क्वेश्चन में हमको मतलब 250 250 मार्क्स के होते हैं, एसक्यूएल 250 मार्क्स के लिए और पाइथन 250 मार्क्स के लिए। ठीक है तो 5 क्वेश्चन में हमको वो सॉल्व करने होते हैं डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए हैं वो एसक्यूएल में। ये थर्ड राउंड में एसक्यूएल होता है और फोर्थ राउंड में पाइथन होता है। ठीक है पाइथन में भी हमको डेटा सेट दिया जाता है और थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन करने के लिए भी कहा जाता है हमको कि ये क्वेश्चन दिया है तो तुमको ये क्वेश्चन में तुमको तुम्हारा क्या विजुअलाइजेशन है और तुम्हारा ठीक है क्या कंक्लूजन निकालोगे तुम इससे। और हमको इसमें थर्ड और फोर्थ राउंड में दोनों में हमको लूम वीडियो का लिंक क्रिएट करना होता है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमको लूम वीडियो से सॉल्व करना होता है, मतलब वो क्वेश्चन में हम क्या करते स्क्रीन शेयरिंग करते ठीक लूम है वीडियो पे, और वो हमने जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करते, ओके वीडियो ओके के थ्रू, ओके और हमने जो थोड़ा बहुत प्रोग्राम किया होता है उसके थ्रू एक्सप्लेन करते एक्सप्लेन हैं। हाँ ओके। तो बेसिकली ये और पाइथन, हाँ, चलो कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ प्लीज गो अहेड। हाँ फिर ये मतलब टोटल अभी कितना हो गया, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड राउंड का 300 मार्क्स था, हाँ ये उसमें से पूरा 150 मैंडेटरी थे, और थर्ड और फोर्थ में 250 250 मार्क्स, मतलब टोटल अभी तक 800 800 मार्क्स हो गया, ए 500 हो प्लस गया थ्री एट हंड्रेड हंड्रेड और 200 मार्क्स के लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सब मशीन लर्निंग रिलेटेड, डेटा एनालिसिस रिलेटेड, एसक्यूएल रिलेटेड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एकदम बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, थोड़ा हाँ आपको उसके लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। ओके। सो एक चीज पूछूंगा, दैट इज पाइथन का, जैसे तुमने जिक्र किया पाइथन का, एक्सेल का, ठीक है, तो इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या, एक्सेल से क्या पूछा गया बेसिकली, मतलब एक आइडिया देने के लिए सामने वाले बंदे को, अगर वो वीडियो देख रहा है, आइडिया देने के लिए हाँ एक्सेल बेसिकली। एक्सेल में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि अगर आपको सब इसमें अगर एडिशन परफॉर्म करना हुआ तो आप क्या अच्छा क्या शॉर्टकट कीज यूज करोगे। बस एक्सेल में मोस्टली जो होता है वो शॉर्टकट कीज के रिलेटेड ही होते हैं क्वेश्चन, ओके ओके तो आपको बेसिक कोई एक्सेल तो आना ही चाहिए उसके लिए। शॉर्टकट मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉलम से वो कॉलम में हमको जितने कम स्टेप में कॉपी करना आना चाहिए, वो शॉर्टकट की उसमें ओके पूछते हैं, मोस्टली शॉर्टकट की ही होता है एक्सेल में। ओके ओके और ओके पाइथन में हमको मतलब मैंने जैसा बताया कि पहले बताया कि वैसे ही हमको प्रोग्राम दिया जाता है और विजुअलाइजेशन और वो करना होता है। ओके 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 सो बेसिकली जैसे एक्सेल और पाइथन का जिक्र किया अभी आपने, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, दैट इज एक्सेल का, एक्सेल बेसिकली आपको आना चाहिए किसी भी जॉब रोल में, कुछ एक्सेल इज इंपॉर्टेंट। और आपको यूट्यूब पे ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले एक कोर्स डाला है, दैट इज ऑन बेसिकली फ्री कोर्स, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उठा सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है, वो चीज है। नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, दैट इज इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर फील्ड, कि हाँ भाई आप मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल बैकग्राउंड है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, मतलब ट्रांजिशन करना कितना, मतलब कैसा रहा जर्नी, क्या रहा चीजें, कैसे ये सारी चीजें कैसे हुई डेटा एनालिटिक्स में। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मतलब मैं 2021 पास आउट, मैंने जैसे कि पहले बताया वो एग्जाम होने के बाद मैं डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या कर सकते हैं आप मैकेनिकल के अलावा, तो मैंने ऐसे ही पाइथन सीखना चालू कर दिया, तो उसमें ओके ओके मुझे इंटरेस्ट आ गया और मैंने एक डेटा एनालिस्ट के बारे में भी पढ़ा था कि ये बहुत अच्छा ब्रांच है, और मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि पाइथन हम पढ़ ही रहे तो हम उसमें मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस भी कर ही सकते हैं, तो वैसे मैंने पाइथन पहले सीख लिया अच्छे से, फिर उसके बाद में उसपे थोड़े बहुत डेटा सेट उठाए कागज से और थोड़े उसमें प्रैक्टिस किया, तो अभी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया।
मतलब इंटरेस्ट आ गया बेसिकली कि हाँ इस चीज में, तो फिर जा हाँ सकते हो। तो यस ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं होता है किसी के लिए। बहुत लोग ऐसे सोचते हो कि हाँ नहीं नहीं भाई कोई भी कर दूसरे सकता फील्ड है। का होता है, कोई भी कर सकता है। वही चीज मैं भी बोलता हूँ, वही चीज निखिल भी आपको बता रहा है कि अगर सामने वाले बंदा कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, बस वही चाहिए कि हाँ डेडिकेशन चाहिए पहली चीज तो, और करते रहो। वो चीज सीखने की चाह होनी चाहिए कि हाँ मेरे अंदर चाह है, मैं सीख रहा हूँ, उसको एक एक करके उसको बढ़ा रहा हूँ। लाइक आई एम इंटीग्रेटिंग दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो डेफिनेटली। एक क्वेश्चन और इसके बाद आता है, दैट इज जो री लेवल का, जैसे पूरा पूरे दिन का एग्जाम होता है, 5 राउंड पूरे दिन एक दिन में होते हैं, तो कैसा होता है, शेड्यूल कैसा रहता है, कि एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत ईजी रहता है, नॉर्मल रहता है, कैसा रहता है, रेट कैसा करोगे तुम? मैं उसे टफ लेवल का ही रेट करूंगा, क्योंकि अच्छा रिलेवल हमारे पूरे स्किल्स को टेस्ट करता है, बेसिक से लेके एडवांस तक तुम्हारा जो स्किल्स होता है वो टेस्ट करता है। मैंने ओके इसके पहले 4 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट में फेल हुआ, फिर 5वें अटेम्प्ट में मैं ये क्वालिफाई कर पाया। 5th अटेम्प्ट में मुझे समझ में आया कि रिलेवल की क्वेश्चंस की लेवल क्या होती है, और हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना होता है। वो बहुत इजी भी नहीं होते हैं, मॉडरेट और हाँ उससे हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अगर रिलेवल क्वालिफाई करना होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डेटा सेट पे वर्किंग आना चाहिए, और एप्टी और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, और एक्सेल का भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सेल और मशीन लर्निंग के कंसेप्ट के साथ आप फैमिलियर होना चाहिए। जैसे अभी निखिल ने बताया कि इसने 5 मतलब 4 अटेम्प्ट पहले दिए थे, 5वें अटेम्प्ट में इनका निकला। तो भाई सामने वाला बंदा अगर बैठ के ये चीज बोल रहा है, तो पहली चीज तो मैं ये चीज बोलता हूँ ना, दैट इज इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो पहला अगर आप अटेम्प्ट दे भी रहे हो ना, तो आप ऐसे ही दे सकते हो नॉर्मल, बिना प्रिपरेशन के भी दे सकते हो, अपना लेवल चेक करने के लिए कि कैसा है, क्या है, कितना मेरे को आता है। अगर आपको एक बेसिकली एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे 4 बार इन्होंने दिया, इनको एक्सपीरियंस हो गया, 5वीं बार में निकल गया, तो ऐसा तो है नहीं भैया घर पे रखा हुआ है कोई चीज, उठा के बस मिल जाएगी तुरंत। मतलब आपको कंसिस्टेंटली वो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे निकलने की, तो यू हैव टू डू दैट। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने हर अटेम्प्ट में वही किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए उसके रिलेटेड स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, फिर सेकंड हाँ अटेम्प्ट किया। बेसिकली इसमें तो पूरा दिन कंज्यूम होता है अपना, तो हाँ मोस्टली पूरा संडे को या मतलब वीक में जैसा टाइम मिले वैसा मैं करता था, क्योंकि इसमें सुबह 10 बजे से लगे राउंड्स होते हैं, तो शाम तक वो इंटरव्यू का जो स्लॉट मिलता है 5:30 साढ़े 6 वहां तक राउंड चलते हैं अपने कंटिन्यूस, तो वो पूरा दिन कंज्यूम होता है। हाँ, बट प्रोसेस बहुत फास्ट है। आपको सबका सब प्रोसेस एक ही दिन में हो जाता है, और उसका रिजल्ट भी लगभग 3 दिन में आ ही जाता है। हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज तो तुमने सही कही। ये मतलब एक दिन में ही 5 राउंड्स हो जा रहे हैं, तो अच्छा है। बेसिकली ये जो लास्ट राउंड होता है, जैसे तुम बोले इंटरव्यू वाला लास्ट वाला राउंड जो होता है, जो 200 मार्क्स का होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, क्या पूछते हैं वो लोग, और वो कौन सी टीम होती है जो पूछती है? री लेवल की ही टीम होती है क्या? हाँ यस यस इंटरव्यू के लिए जो टीम होती है वो रिलेवल की ही होती है, ओके और रिलेवल में मतलब हमको क्वेश्चंस ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे तुम्हारा अगर सपोज मुझे दूसरे ब्रांच का पता नहीं, पर डेटा एनालिटिक्स के लिए स्पेशली मशीन लर्निंग का तुमको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मशीन लर्निंग के रिलेटेड बिल्कुल बहुत सवाल करते हैं ये, रिलेवल के रिलेटेड वो हमको मशीन लर्निंग के बहुत कंसेप्ट पूछेंगे, एल्गोरिदम्स पूछेंगे, वो हमको क्लियरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए। और उसमें बहुत मैट्रिसेस होते हैं, कंफ्यूजन अच्छा मैट्रिक्स होता है डेटा एनालिसिस में, वो वैसे टाइप के बहुत सारे उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, और ओके हमको इंटरव्यूअर पे डिपेंड है। कोई कोई इंटरव्यूअर हमको क्वेरी रन करने को भी बोलता है, अच्छा एसक्यूएल के डेटा सेट देके हमको क्वेरी रन करने को बोल सकते हैं ओके हमको, या फिर जस्ट ओरली डेटा सेट बताएंगे और हमको क्वेरी टाइप करके भेजो चैट बॉक्स में, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। अच्छा। तो जैसे ये क्या नाम है, नहीं, जब प्रिपेयर कर रहे थे, हाँ बोलो बोलो बोलो, सॉरी। पाइथन के रिलेटेड भी पूछते हैं। पाइथन के रिलेटेड हमको मोस्टली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और वो होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके वो वैसे फिल्टर फिल्टर मैप रिड्यूस वैसे टाइप में पूछे जाते हैं पाइथन में। अच्छा। जैसे ये इंटरव्यू हो गया, अपना इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद मतलब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे, मतलब जो दूसरी इंटरव्यू, जैसे तुमको कैसे अप्रोच की कंपनीज जो थी ना, कैसे अप्रोच की तुमको, कैसे प्लेसमेंट वगैरह लगी, क्या हुआ? अभी आपको 3-4 दिन, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, 3 से 4 दिन में। तो रिजल्ट आने के बाद आपको
मुझे मतलब 3 से 4 दिन वेट करना पड़ा रिजल्ट आने के बाद। फिर ओके 3 से 4 दिन बाद मुझे रिलेवर की तरफ से कॉल आया कि ठीक हम है आपका मतलब इंटरव्यू शेड्यूल करने वाले हैं, तो ठीक है उसके हिसाब से वो हमको इंटरव्यू शेड्यूल करके देते हैं। हमको वो प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और ओके वो हमको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं पहले कि आपका कल से शुरू करने वाले हैं हम इंटरव्यू प्रोसेस या परसों से शुरू करने वाले हैं। और अच्छा आपको गूगल पे मतलब जीमेल पे लिंक रिसीव होता है हर मीट का, आपको ओके गूगल कैलेंडर पे उसको रिस्पॉन्ड करना होता है कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर नहीं होगे तो वो अगर कंपनी के वो कंपनी से डिस्कस करके देखते हैं, आप अवेलेबल नहीं हुए तो वो रिशेड्यूल करने का भी ट्राई करते हैं। ओके 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 मतलब वो सारी चीजें वो खुद लोग मैन वो लोग खुद मैनेज करेंगे कि हाँ हाँ कंपनीज आपके मैनेज पास करेंगे। कौन सी अवेलेबल है वो उस हिसाब से आपका वो सारी चीजें होंगी। ठीक है तो ऐसा है प्रोसेस। और एक चीज और, जैसे जब आप जब आपने डैश मतलब लॉग इन वॉग इन किया होगा, जब रजिस्टर किया होगा टेस्ट के लिए, तो कुछ मॉक टेस्ट वगैरह आते हैं नॉर्मल जो उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते, मॉक टेस्ट वगैरह, वो आपने ट्राई किए थे क्या? हाँ यस, मैंने ट्राई किया था मॉक टेस्ट। मैंने हाँ स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दिया था बट स्टार्टिंग में इन्होंने मॉक टेस्ट इतना अपडेट नहीं किया हुआ था। हाँ बट मॉक टेस्ट में जैसे टाइप के क्वेश्चन थे सिमिलर टाइप के टेस्ट में होते हैं, ओके बट ओके अभी मैंने अभी जस्ट इनका अपडेटेड मॉक टेस्ट का वर्जन देखा, तो अपडेटेड मॉक टेस्ट मुझे लगता है काफी अच्छे हैं। तुम ओके उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो और वैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेम तो नहीं बोल सकते, सिमिलर आते हैं, वो कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं। और वो हमको एक PDF भी प्रोवाइड करते हैं कि इसके रिलेटेड ही तुमको ज्यादा करके हम पूछेंगे, स्पेसिफिक अच्छा टॉपिक मेंशन होते हैं तो वो टॉपिक के रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो PDF हमको प्रोवाइड करते हैं सेट। अच्छा मतलब कोई अगर वो मॉक टेस्ट अगर कर ले तो मतलब उसको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप का टेस्ट होने वाला है, हो हाँ सकता है आइडिया हो वैसा। जाएगा। अच्छा अच्छा बेसिकली हाँ ठीक और है ठीक है ठीक। अटेम्प्ट भी अनलिमिटेड है, तो मुझे लगता हाँ है कि किसी को भी क्वेश्चन स्टडी करना हुआ तो वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे सकता है और हाँ सिर्फ क्वेश्चन का स्टडी कर सकता है उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए, और फिर बाद में उस हिसाब से स्टडी करके प्रिपेयर करके आगे प्रोसीड कर सकता है। अच्छा ये मॉक टेस्ट छोड़ के, जैसे तुमने मॉक टेस्ट का एक आइडिया हो गया अब तुमको, ठीक है कि हाँ मैंने मॉक टेस्ट देख लिया, मेरे को आइडिया हो गया अगर मेरे को टेस्ट देना है, अब तुम क्या सजेस्ट करोगे कि हाँ भैया जो आपने मतलब जो किया, अगर मैं वो करूं कि हाँ मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए, क्या क्या प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजीज या क्या क्या टिप्स या कोई रिसोर्सेज अगर शेयर कर सको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो अगर बता दो तो। हाँ अभी डेटा एनालिसिस के लिए मोस्टली तो हमको डेटा सेट्स ही दिए जाते हैं थर्ड और फोर्थ राउंड के लिए, तो हमको और इंडस्ट्री में भी डेटा सेट के ऊपर हमको वर्क करते आना चाहिए। तो डेटा सेट मतलब मैंने शुरू में यूट्यूब से काफी चैनल से उसमें से प्रिपेयर किया कि डेटा सेट को पाइथन में कैसे इंपोर्ट करते हैं। पांडास और नंपाई आपको फैमिलियर होना चाहिए, नंपाई पांडास पांडास और में नंपाई अगर आपको अच्छे से आता है तो आप डेटा सेट से अच्छे से डील कर पाते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी को भी डेटा एनालिस के लिए अपियर होना होगा तो उसको पहले पांडास और नंपाय सीख लेना चाहिए पाइथन में, सीखना चाहिए और बिल्कुल फिर ठीक। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है या वेबसाइट पे भी बहुत सारे एनालिसिस अवेलेबल है जिसमें वो एक सैंपल डेटा सेट है और उसपे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमने वो स्टार्टिंग में देख देख के भी किया ना तो हमको उसका प्रैक्टिस हो जाता है, आइडिया आ जाता है, फिर आपको कोई भी डेटा सेट दिया तो आप उसमें कर लेते हो इजिली प्रैक्टिस। ओके ओके मतलब कई रिसोर्सेज हाँ जैसे जैसे कौन कौन से ये वेबसाइट्स हैं, जैसे कैगल एक हो गई वो है, और कौन कौन हाँ सा है वेबसाइट कैगल जहां से से? हमको डेटा सेट मिल जाता है और यूट्यूब से कोई भी आप एक आपको जो अच्छा लगे वो चैनल उठा सकते हो पाइथन और नंपाई के लिए, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कोड विथ एरी उठा सकते हैं, कोड विथ एरी का पाइथन है, और मैंने तो नंपाई पांडास वहां से ही किया है। और थोड़ा बहुत पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, हाँ पाइथन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो रेफर किया है ओके नंपाई और पांडास के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस और कैगल से डेटा सेट्स आई थिंक इतना काफी है, और थोड़ा बहुत हमको प्रैक्टिस खुद से भी करके देखना पड़ता है। डेफिनेटली हाँ वो तो सही बात है, बिकॉज एक बार में अगर नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं है, जैसे कि पता है आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, कभी भी भर सकते हो, कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं है, डायरेक्टली फिर से एक बार दिया नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं है, फिर से प्रिपरेशन करके आइडिया हो गया फिर से भर दो। ठीक है तो यहाँ पे एक चीज, एक डाउट रहता है लोगों में और एक ये रहता है घबराहट रहती है कि भैया जब हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा, रीलेवल हमसे कुछ पैसे वैसे लेती है क्या, कोई पैसे वैसे लिया गया तुमको पूरे प्रोसेस में, अगर तुम पूरा अपना नहीं नहीं प्रोसेस नहीं बताओ, कोई पैसे उन लोगों ने लिए या कोई फीस देनी पड़ी कहीं पे, जैसे कि कई लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि हाँ भैया हमसे ये फीस ली जा रही है, ऐसे किया जा रहा है, ऐसे वैसे कहा जा रहा है,
ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, अभी तक तो मैंने 5 अटेम्प्ट दिए और इंटरव्यू भी दे दिए हैं, पर हाँ मुझे अभी तक उन्होंने फीस की डिमांड नहीं की है, और हाँ उन्होंने खुद से ही बताया कि रिलेवल एक फ्री प्लेटफॉर्म है प्लेसमेंट के लिए, और अनअकैडमी की तरफ से तो शायद मुझे लगता है वो ट्रस्टेड है, क्योंकि मैंने खुद उसमें ट्राई करके देखा हुआ है। अभी तक मुझे उन्होंने एक भी कोई भी चार्जेस पे करने को नहीं लगा है, तो अच्छा वो अच्छा कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्लेटफॉर्म भी है अच्छा फ्रेशर्स के। हाँ, ये चीज मानूंगा मैं, बिकॉज बहुत लोगों की अच्छी अच्छी प्लेसमेंट लगी है। और दूसरी चीज क्या ना, कि कोई भी आपसे ऐसे टेस्ट देने के लिए या एग्जाम देने के लिए कोई भी पैसे मांगता है तो सामने से मत देना भैया, वो है ही नहीं, ठीक है? वो ऑप्शन ही अभी हाँ नहीं है, ठीक है? आज के डेट में जब वीडियो ही पड़ रही है तो देख लेना डेट, इस डेट में, इस पर्टिकुलर मंथ में कोई भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये चीज सामने वाले बंदा कंफर्म कर रहा है। मेरे को भी पता था, मेरे से नहीं अगर मानते हो तो सामने वाला बंदा खुद दिया है, तो उससे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, मतलब लास्ट एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, दैट इज आपके तरफ से, ठीक है? जैसे आपने टेस्ट दिया है, आप अपने, अगर कोई जूनियर आपसे पूछता है, कोई भाई पूछता है, कोई बहन पूछती है कि हाँ भैया मेरे को ये टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या ये बेनिफिशियल होगा मेरे लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको? मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि उसमें हमारा बहुत सारा प्रिपरेशन हो जाता है। वो टेस्ट ऐसे ही डिजाइंड होते हैं जैसे हम एक्चुअल इंडस्ट्री में जैसे वर्क करते हैं ना, वैसे वो टेस्ट डिजाइंड होते हैं, क्योंकि हमको वो डेटा सेट रिलेटेड ही एनालिसिस पूछते हैं, विजुअलाइजेशन पूछते हैं, वही तो हमको इंडस्ट्री में भी करना होता है। कि सपोज हमने कोई कंक्लूजन निकाला कि हमको ये स्पेसिफिक वेरिएबल पे वर्क करने की जरूरत है, तो ठीक है, ऐसे ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये वेरिएबल एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलता है कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंपनी को ये वेरिएबल पे वर्क करना चाहिए, ये फिर ये वेरिएबल पे वर्क किया तो कस्टमर बेस बढ़ सकता है, ऐसा मतलब हम प्रैक्टिकली एनालाइज करने को सीख जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रिलेवल मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा फ्रेशर के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको फिर भी अगर प्लेसमेंट नहीं भी लेना हुआ फिर भी रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पे आपकी कंसेप्ट क्लियर बहुत हो जाएगी, कंसेप्ट मतलब आपको आपके नॉलेज कुछ का भी आइडिया हो आइडिया आ जाएगा जाएगा। कि आपका नॉलेज कितना है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि करना चाहिए इसको सबने। हाँ ठीक है, तब फिर सामने वाला बंदा जो भी देख रहा है ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डेफिनेटली सजेस्ट अगर कोई कर रहा है जो खुद दिया है तो डेफिनेटली हो सकता है अच्छा हो, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप जाते हो नहीं जानते। पूरा रोड मैप हम लोगों ने बात कर लिया, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या है प्रोसेस, राउंड्स क्या होने वाले हैं, सारा कुछ बात कर ली। अगर आप कुछ अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहते हो अभी तो कर सकते हो, मेरे तरफ सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैं तो जनरली फ्रेशर्स के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको सबसे अच्छा मतलब सबसे फर्स्टली आपको तो पाइथन सीखना स्टार्ट करना चाहिए। पाइथन बेसिक होने के बाद आपको उसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मैप, रेंज, फिल्टर, ऐसे अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हमको आने चाहिए, मतलब वो कोड का लेंथ रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मतलब हम फॉर लूप बनाते हैं, उसमें 3-4 लाइन लग जाता है, तो हमने वही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से किया तो वो 1 लाइन में ही हो जाता है। तो आपको ये मेथड्स पाइथन के पता होने चाहिए, और उसके साथ में नंपाई और पांडास का भी नॉलेज होना चाहिए, और डेटा सेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैगल में बहुत सारे फ्री डेटा सेट अवेलेबल है, आप वहां से ही डेटा सेट उठा के अपने जुपिटर नोटबुक में पाइथन में इंपोर्ट करके उसके रिलेटेड कोई भी परफॉर्म ऑपरेशन कर मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले स्टार्ट पाइथन से करें, पाइथन बेसिक से लेके नंपाई पांडास तक, और फिर मशीन लर्निंग के भी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर क्लियर होने चाहिए। मशीन लर्निंग के भी बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हो या YouTube चैनल से कर सकते हो, या पेड कोर्सेज भी होते हैं, तो कोई भी इसमें से आप मशीन लर्निंग का कर सकते हो। मशीन लर्निंग के आपको जो बेसिक अल्गोरिदम्स है वो सब क्लियर होने चाहिए, जैसे कि लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऐसे बहुत सारे अल्गोरिदम्स है, 10 to 12। अगर आपने 10 to 12 अल्गोरिदम्स का भी प्रिपेरेशन बाय हार्ट कर लिया तो मुझे लगता है कि आप डेटा एनालिस्ट के लिए सफिशियंट हो, प्रिपेयर प्रिपेयर कर सकते मतलब हो, आप अप्लाई कर सकते कर हो। सकते हो। और इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत एक्सेल का और एसक्यूएल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल भी आपको अच्छे से सीखना चाहिए इसके लिए। एसक्यूएल में हमको काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो एज अ डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल भी आना चाहिए,
और पावर बीआई भी काफी सारी कंपनीज पूछते हैं कि आपको विजुअलाइजेशन आता है क्या। विजुअलाइजेशन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पावर बीआई सीखना चाहिए। पावर बीआई बहुत इजी है, सीखने में आपको 3 4 दिन भी नहीं लगेगा, इतना इजी है पावर बीआई। तो आप वो डेफिनेटली सीख सकते हो। तो पाइथन, पावर बीआई, मशीन लर्निंग और एसक्यूएल, जी ये पूरा। चार फैक्टर्स भी आपने अच्छे से बाय हार्ट कर लिए, तो मुझे लगता है कि आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड हो। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। और एक क्वेश्चन मिस आउट हो गया, ये बहुत लोग अभी इंतजार भी कर रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि भैया ये बताओ कि आपकी जो पैकेज लगा वो एक रेंज बता सकते हो क्या? बेसिकली हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अगर क्या नाम है वो चीज मेंशन कर दी थी कि हाँ भाई हम लोग एग्जैक्ट पैकेज या थंबनेल में एकदम एग्जैक्ट पैकेज नहीं बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मनी कॉन्फिडेंशियल इशूज, और कॉलेज में भी दिक्कत होती है, बहुत जगह दिक्कत होती है, ठीक है, इस वजह से वो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से वो नहीं बताएंगे। बट अगर आप एक रेंज बता सको कि हाँ सामने वाले बंदे को एक आइडिया हो जाए, मोटिवेशन काइंड ऑफ, कि हाँ इतने से इतने के बीच में लगा आपका। हाँ, वो पैकेज मोस्टली कंपनीज पे डिपेंड होता है। अगर स्टार्टअप कंपनीज है तो वो कम ऑफर करती है, अगर अच्छी कंपनीज है तो वो बहुत अच्छा पैकेज ऑफर कर सकते हैं। वो हमारे नॉलेज पे डिपेंड होता है। और टॉकिंग अबाउट रेंज, मुझे लगता है कि 4.5 से लेके 8 LPA, मतलब 4.5 LPA से 8 LPA वो ऑफर करते हैं। और एक मतलब मुझे लगता है कि जो बड़ी कंपनीज है, आपको अगर अच्छा नॉलेज है तो आपको डेफिनेटली अच्छा पैकेज मिल जाएगा। और फिर भी आपको अगर बेसिक फंडामेंटल नॉलेज भी रहा तो आपको 4.5 तो आसानी से मिल ही जाएगा उसमें। ओके ओके ओके, ऐसा सीन है, ठीक है, तो समझ गया ना। मेन मेरा फोकस ये लास्ट में क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि मेन फोकस ये नहीं था कि भैया आपकी सैलरी कितनी लगी, मेन फोकस ये था इसको टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, इसको कैसे हम लोग क्या नाम है जब राउंड्स देंगे क्या क्या चीजें ध्यान में रखे, वो सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली। सो यही सारी वीडियो थी। थैंक यू सो मच यार निखिल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन अरे सो नहीं, डिटेल। मतलब डेफिनेटली मेहनत लगी, चार बार बंदे ने दिया, पांचवी बार में क्लियर हुआ, इट इज नॉट ईजी। वो सारा एक्सपीरियंस 5 बार के टेस्ट का है, तो जो आपको मिला है डेफिनेटली थैंक यू सो मच, इट इज अ क्वालिटी व्हाट यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच मैन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू टू योर चैनल ऑल्सो, आपने मुझे ये चांस दिया इसके रिलेटेड बोलने का। तो आपको भी थैंक यू मेरी तरफ से।